हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नाम बेरोजगार स्किल में। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है BECIL रिक्रूटमेंट 2020, जिसमें कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर 1500 पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ निकाली है। ये जो वैकेंसियाँ निकाली है वो है 8th क्लास, जिसमें एजुकेशन मांगी है 8th क्लास, वायरमैन, ITI सर्टिफिकेट, SCVT और हायर टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में भी ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर पोस्टेस। तो आइए थोड़ी अधिसूचना जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन अमर उजाला दिनांक 5/10/2020, विषय है तत्काल नियुक्ति के लिए संक्षिप्त सूचना। पश्चिमांचल मध्यांचल तथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उपक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत विभाग द्वारा अतिरिक्त जनशक्ति की मांग के मद्देनज़र 1500 संविदात्मक जनशक्ति इलेक्ट्रीशियन, SSO, लाइनमैन, ITI डिप्लोमा, TG2, इलेक्ट्रिकल स्किल्ड एवं सहायक लाइनमैन अनस्किल्ड के लिए आवेदन निम्नलिखित शर्तों के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो आइए वो शर्तें जान लेते हैं। नंबर एक है, वह अभ्यर्थी जिसे 33/11 KV उपकेंद्र पर उपरोक्त योग्यता के साथ साथ 2 वर्षों का अनुभव होगा, उनकी सीधी भर्ती की जाएगी, परंतु अनुभवहीन अभ्यर्थियों की भर्ती अल्पकालिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद की जाएगी। नंबर दो, वह अभ्यर्थी जो कि 8वीं पास सहायक लाइनमैन 33/11 KV उपकेंद्र पर 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव होगा, उनकी सीधी भर्ती की जाएगी, परंतु अनुभवहीन अभ्यर्थी की भर्ती अल्पकालिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद की जाएगी। नंबर तीन, जिन अभ्यर्थी ने पूर्व में आवेदन किया है वह डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए प्रोजेक्ट समन्वयक, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के मोबाइल नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है पर अपने दस्तावेजों का परीक्षण सत्यापन के लिए तत्काल इस नंबर से संपर्क करें। नए अभ्यर्थी आवेदन करने के उपरांत इंटरव्यू दस्तावेजों का परीक्षण सत्यापन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के मोबाइल नंबर इससे संपर्क करें या इनसे संपर्क करने पर अपना नाम, पता, पोस्ट, मोबाइल नंबर आदि तत्काल भेजें। नंबर पाँच, विज्ञापन में दी गई योग्यता विवरणों के साथ साथ आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की स्व साक्षात के साथ BECIL jobs.com ऑनलाइन पंजीकृत भी कर सकते हैं। नंबर छः, चयनित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल मध्यांचल तथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के किसी भी 33/11 KV विद्युत वितरण उपकेंद्र पर पोस्ट किया जाएगा। नंबर सात, उम्मीदवार अपने अपने दस्तावेजों का परीक्षण सत्यापन दिनांक 5/10/2020 से बैसिल कार्यालय, बैसिल भवन C56A/17 Sector 62 नोएडा में भी आकर करवा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं BECIL ने जो एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर अर्जेंट प्लेसमेंट आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद डायरेक्ट आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 1500 स्किल्ड एंड अनस्किल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर के लिए। सीधी सी बात है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस होगा, तो उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 5/10/2020 है और डेट ऑफ जो क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन होगी वो 20/10/2020 है और डेट ऑफ मेरिट टेस्ट इंट्रैक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो फ्रॉम 5/10/2020 से टिल जब तक वैकेंसी अवेलेबल होगी तब तक चलेगा, और प्लेस ऑफ टेस्ट जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ होगा वो नोएडा में होगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो www.becil.jobs.com है। 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 100% गारंटी प्लेसमेंट एट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विद एश्योर्ड मिनिमम वेजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ UP। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी डिप्लॉयड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट ट्रेनिंग कंप्लीशन बेसिक है ये। तो जब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे होगा, क्या होगा, उसका टाइटल क्या है, वेन्यू क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ड्यूरेशन कितना होगा, क्या कोर्स की फ़ी है और क्या स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो पहले जो है टाइटल एंड ट्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हाउ टू ऑपरेट अ डिस्चार्ज रॉड एंड सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 33/11 KV सबस्टेशन के लिए। इसका जो वेन्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो जनपुरा बस्ती होगा। क्वालिफिकेशन जो इसमें उन्होंने मांगी है वो मांगी है ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड और वायरमैन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT और SCVT और हायर टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग TG2 एंड और विद शेल प्रोसेस ओवरहेड सर्टिफिकेट फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन
इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल्स, तो उसमें ड्यूरेशन जो होगा वो 7 डेज होगा। कोर्स फीस जो होगी वो 6,000 होगी। स्टाइपेंड आपको ट्रेनिंग पीरियड में इसमें नहीं मिलेगा। नंबर दो जो है इसमें, यह है बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ 33/11 KV सब स्टेशन एंड सेफ्टी मेजर। इसमें जो वेन्यू होगा वो मेरठ होगा और जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो सेम है जो ऊपर वाले में दी गई है। इसमें ड्यूरेशन जो होगा वो 15 डेज होगा। कोर्स ऑफ फी 11,000 होगी। जो स्टाइपेंड मिलेगा वो नहीं मिलेगा। ये बुलंदशहर में भी होगा। नंबर जो तीसरा है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ 33/11 KV सब स्टेशन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सेफ्टी मेजर। ये नोएडा में होगा। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सेम होगी जो नंबर 1 के लिए है। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 30 डेज का होगा। कोर्स ऑफ फी जो होगी वो 15,000 होगी। स्टाइपेंड जो होगा वो आपको मिलेगा। और नंबर फोर जो है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ 33/11 KV सब स्टेशन एंड यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेफ्टी मेजर। इसका जो आपकी ट्रेनिंग वेन्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो नोएडा में होगा। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 8th पास एट एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशनल विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस प्रेफरली इन इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम। इसकी जो ड्यूरेशन होगा वो 30 डेज होगा। जो कोर्स फी होगी वो 15,000 होगी और जो स्टाइपेंड होगा वो आपको इसमें मिलेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि एप्लीकेंट हैविंग एक्सपीरियंस 33/11 KV विल बी डिप्लॉयड डायरेक्टली। हाउएवर जिनको भी 33/11 KV में जो कुछ एक्सपीरियंस है उनको डायरेक्टली ही उनको डिप्लॉयड कर दिया जाएगा। नंबर टू, द अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग बेस्ड एज पर देयर मेरिट लिस्ट एज अंडर। और जो अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट है जो ट्रेनिंग लेंगे उनको उसके बाद इस क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा। तो वो क्राइटेरिया क्या है जान लेते हैं। द कैंडिडेट हु सिक्योर एटलीस्ट 80% मार्क्स विल बी एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेनिंग। जिन्होंने भी 80% मार्क्स प्राप्त किए हैं वो फ्री ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। नंबर बी, द कैंडिडेट हु सिक्योर एटलीस्ट 70% मार्क्स विल बी एलिजिबल फॉर पेड ट्रेनिंग एट 01 ट्रेनिंग कॉस्ट ₹6,000। नंबर सी, द कैंडिडेट हु स्क्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स विल बी एलिजिबल फॉर पेड ट्रेनिंग एट 02 ट्रेनिंग कॉस्ट ₹11,000। नंबर डी, द कैंडिडेट हु सिक्योर एटलीस्ट 35% मार्क्स विल बी एलिजिबल फॉर पेड ट्रेनिंग एट 3 and 4 ट्रेनिंग कॉस्ट ₹15,000 विद स्टाइपेंड ऑफ 15 डेज ड्यूरिंग ऑन साइट ट्रेनिंग। तो आफ्टर ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, थोड़ी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। द कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कम्प्लीट द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड स्क्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ट्रेनिंग शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्लेसमेंट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। ये जितनी भी फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन है उसके लिए आप ज़रूर इसकी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन PDF ज़रूर पढ़ें। ये आपको मैंने आपको इस वीडियो में अनस्किल और स्किल लेवल के जो 1500 वैकेंसियाँ निकली है इसको संक्षेप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी संपूर्ण जानकारी ज़रूर जो है इसकी PDF एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको इसकी PDF एडवर्टाइजमेंट सेंड कर दूँगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या होगा। सबसे पहले बैच साइज़, जो इसका बैच साइज़ होगा वो ईच ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्ट्रेंथ ऑफ 30-40 कैंडिडेट की होगी। फैकल्टी जो होगी, द फैकल्टी कंप्राइजेस ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम BECIL एंड ट्रेंड इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर फ्रॉम पावर स्टेशन टू हैंडल द ट्रेनिंग प्रोग्राम। नंबर थ्री, ट्रेनिंग सेटअप एंड फैसिलिटीज, द ट्रेनिंग प्रोग्राम शैल बी सपोर्टेड विद लैब सेटअप फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड कोर्स स्टडीड मटेरियल पैक। नंबर फोर, ट्रेनिंग मटेरियल क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग मटेरियल टूल एंड किट्स वर्किंग लंच एंड टी स्नैक्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ईच कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस ट्रेनिंग विल बी हेल्पफुल फॉर इंक्रीज एंड स्किल डेवलपमेंट एंड कैरियर बिल्डिंग। नंबर सिक्स, स्टे एंड ट्रांसपोर्टेशन, द पार्टिसिपेंट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर स्टे एंड ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम ट्रेनिंग वेन्यू। नंबर सेवन, रजिस्ट्रेशन फी क्या होगा, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी है इसकी ₹500 फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट, 250 जो होगी वो SC ST PH कैंडिडेट वालों के लिए होगी, जिसको आप NEFT RTGS डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड पर, बैंक डिटेल भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखी है, आप रिगार्डिंग अबाउट इसके बात कर सकते हैं। बाकी इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इसके एडवर्टाइजमेंट PDF नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और माई YouTube चैनल। धन्यवाद।